पर अब उन्होंने स्वीकार किया है अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती. हाउ अमेजिंग दैट इन 2006 ही गॉट द रेड एंड व्हाइट ब्रेवरी अवार्ड बिकॉज ही रीबिल्ट एन एंटायर विलेज इन तमिलनाडु आफ्टर द कैटास्ट्रोफिक सुनामी. एंड टुडे ही इज प्लेइंग अ मैन हु हैज रीबिल्ट एन एंटायर नेशन इन द लास्ट 5 years. वी हैव विद अस विवेक आनंद ओबेरॉय. And finally, our honorable guest of honor needs absolutely no introduction. The second youngest CM in the history of Maharashtra. He has led the state with a vision that has truly transformed lives, with an impeccable administrative record seen as pro-people and reform-based. What Sri Narendra Modi has achieved nationally, he has single-handedly accomplished for Maharashtra. What is truly remarkable is his dream to transform Maharashtra into a trillion-dollar economy by 2025. So, you can understand how the Honorable Chief Minister of Maharashtra, Shri Devendra Fadnavis. And before we proceed further, I want to share with you today, in the joy of opening and playing, we want to give you a whole guldasta to everyone. So, may I please present in order. सबसे पहले श्री देवेंद्र फडणवीस. सो प्लीज एक्सेप्ट हम्बल ग्रैटिट्यूड. श्री विवेकानंद ओबेरॉय. श्री सुरेश ओबेरॉय जी. श्री विवेकानंद ओबेरॉय. श्री उमंग कुमार. And last but not least, Shri Sandeep Singh. Pehle to main daad dunga. Sandeep, Umang, Vivekananda Ubroy, jinki ghanton nahi, mahino nahi, shalon ki mehnat ke baad, Shri Narendra Modi ji ka ye jo look tay hua hai, unki body language se lekar unke chehre ki ek ek lakir ko, जिस बारीकी के साथ इस पोस्टर के जरिए दर्शाया गया है, ये दुनिया का पहला ऐसा पोस्टर है जो 23 भाषाओं में रिलीज किया जा रहा है. एंड आई रिक्वेस्ट आवर ऑनरेबल चीफ गेस्ट श्री देवेंद्र फडणवीस टू डू द ऑनर्स एंड प्लीज वेलकम द पोस्टर ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी. हाँ जी, नमस्कार. विवेक आनंद ओबेरॉय, सौभाग्य है कि एक ये ऐसे योगी कर्मयोगी का रोल निभा रहे हैं, ऐसी एक महान हस्ती का रोल निभा रहे हैं जिसे सिर्फ भारत ने नहीं बल्कि सारे विश्व ने, सारी दुनिया ने अपनाया है. और मुझे उम्मीद है, ना सिर्फ उम्मीद है बट यकीन है, पूरा विश्वास है कि जितना मेहनती है विवेक और अपनी उनकी टीम, और मुझे उम्मीद है और यकीन है अगेन कि ये बहुत ही अच्छी एक फिल्म बनाएंगे जो कि सदा बाहर रहेगी. थैंक यू सो मच. भगवान से प्रार्थना करता हूँ और साथ में अपनी आशीर्वाद भी देता हूँ. बच्चे, बहुत अच्छी फिल्म बनाना. गॉड ब्लेस. नाउ आई वुड रिक्वेस्ट संदीप सिंह टू से अ फ्यू वर्ड्स प्लीज. नमस्कार. पहले तो अनिरुद्ध, थैंक यू सो मच कि आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया हम सबका. और मेरे मीडिया के दोस्तों, मेरे दोस्त, मेरे जितने लोग लेजेंड ग्लोबल स्टूडियो में काम करते हैं, उन सबका थैंक यू सो मच. बहुत डर था हम सबको इस फिल्म को सोचने में भी. और जब हमने सोचा तो मैं सबसे पहले बिना किसी से शेयर किए एक दिन पता किया कि विवेक कहाँ पे शूटिंग कर रहे हैं. और मैं विवेक के पास गया, मैंने बोला मुझे 5 मिनट का काम है आपसे. तो विवेक ने बोला हाँ ठीक है, क्योंकि विवेक और मैं 18 साल से एक दूसरे को जानते हैं. और मैंने बोला भाई एक सोच है जो पॉसिबल नहीं है, पर अगर हमने एक साथ वो सोच रख ली तो शायद पॉसिबल हो सकता है. तो विवेक मेकअप करा रहे थे, तो उन्होंने एक एक्टर की तरह मुझे बोला जल्दी बोल मुझे सेट पे जाना है. मैंने कहा भाई मुझे श्री नरेंद्र मोदी जी पर फिल्म बनानी है. उन्होंने बोला हाँ मैं कर रहा हूँ, आगे बोल. तो मैंने बोला हाँ यही था बस. तो बोले ठीक है,
शाम को मिलते हैं अच्छे से, मैं अभी शॉट देने जा रहा हूँ। मैं बोला ठीक है। उसके बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं वहाँ से चला गया। फिर हम रात को मिले और उस रात के बाद आप कुछ और मत समझेगा, हम हर दिन हर रात मिले हैं और एक साथ हमने अनिरुद्ध जो हमारे स्क्रीन प्ले राइटर हैं, हर्ष लिम्बाचिया जो हमारे डायलॉग राइटर हैं, और उमंग और विवेक और हमारी पूरी टीम एक साथ मिल के स्क्रिप्ट को डेवलप करते रहे और आज इस जगह पर पोस्टर रिलीज करना, मुझे लग रहा है फिल्म रिलीज कर रहे हैं हम, क्योंकि बहुत मुश्किल था। इस पर किताब छप सकती है कि कितना मुश्किल था यहाँ तक पहुँचना। उसके बाद दादा आपने हाँ बोला इस पोस्टर को लॉन्च करने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, वी ऑल नीड योर ब्लेसिंग, एंड थैंक यू सर कि आपने हमको अपना ब्लेसिंग दिया। थैंक यू वेरी मच। नाउ आई रिक्वेस्ट उमंग, श्री उमंग कुमार, प्लीज से फ्यू काइंड वर्ड्स। Thank you everyone for coming and giving us your blessing. Thank you sir for inaugurating this for us, it means a lot. I must say this is one of the most difficult and challenging role that I'll be playing in my career, because to direct a film, a biopic of a man who is one of the most prolific leaders in the history of India is the most, you know, challenging thing for a director can do. And I humbly take the opportunity that I just with their help give full justice to make a film that everyone will be proud of. And I know we are very excited but nervous too. So we only require your blessings and support, and thank you once again for coming over here. Thank you. यहाँ मैं ये भी याद दिलाना चाहूंगा कि प्रॉबेबली इतिहास में ये पहली ऐसी पिक्चर बन रही है विच इज ऑन अ सिटिंग लीडर, ऑन अ सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज जनरली फिल्में जब बनती हैं कई सालों के बाद बनती हैं। सो दिस इज समथिंग अगेन वेर यू ऑल आर क्रिएटिंग हिस्ट्री, एंड कंग्रेचुलेशन फॉर दैट। विवेकानंद ओबेरॉय प्लीज। जय हिंद। मैं अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूँ, आई थिंक आई एम एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट। दिस इज, you know, today I'm feeling like how I felt 16 years ago, जब मैंने अपना करियर शुरू किया था कंपनी के पहले दिनों में। I'm feeling the same excitement, the same hunger, because this kind of a role is a once in a lifetime experience for any actor. बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूँ मैं, and I truly believe that at the end of this journey, I hope, I pray, that I shall become a better actor and a better human being because of the inspiration that this film is all about. Narendra Bhai is one of the tallest leaders, not just in this country, but in the world. And I think that to bring him alive on screen, to bring his persona, to bring his inspirational qualities on screen is an incredible challenge. And I reach out to all of you, ki aap hame apna aashirwaad dein, aap hame apne support dein, apna pyar dein, that we can make this incredible journey possible. Har achha kaam kehte hain, blessing se, aashirwaad se shuru hota hai. Dad ne apni blessing de di. I'm looking for blessings of everybody. Most importantly, I feel that I'm really honored and really touched. The most dynamic chief minister of Maharashtra, the man who puts Maha back in Maharashtra, mere liye apne bade bhai jaise hain, aur bade bhai ke aashirwad se ye kaam shuru ho raha hai. So I thank you so much, Dad. Thank you. And now, our honorable chief guest, Shri Devendra Fadnavis. Adarniya Suresh Oberoi ji, Sandeep ji, Umang ji, mere mitra aur chote bhai, Vivek ji. Vaise sabne Vivekanand aaj pura naam aapka liya hai, lekin Vivek ji hi acha lagta hai. Aur yahan upasthit sabhi mitro, media ke behno aur bhaiyo, मैं ऐसा मानता हूँ कि आज एक नए इतिहास की शुरुआत इस पोस्टर लॉन्च से हो रही है। भारत ने इस सदी के एक वैश्विक नेता को जन्म दिया है और जिनके नेतृत्व में भारत केवल नई ऊंचाइयां नहीं छू रहा, बल्कि भारत के जन जन के
आशाएं आकांक्षाएं अपेक्षाओं को पूरा करने का काम जिनके नेतृत्व में हो रहा है। ऐसे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, इनके जीवन चरित्र पर एक फिल्म बने, मैं ऐसा मानता हूं कि ये विचार ही अपने आप में बहुत महान विचार है और मैं इस विचार के लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ये जो टीम बनी है, कई बार हम लोग कहते हैं डेडली कॉम्बिनेशन, पर मैं इसको डेडली नहीं कहूंगा, मैं इसको विनिंग कॉम्बिनेशन कहूंगा। इट्स अ विनिंग कॉम्बिनेशन। और मेरा विश्वास है कि एक ऐसी प्रेरक फिल्म तैयार होगी। हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि जो हमारी युवा पीढ़ी है, इसे प्रेरित करने की आवश्यकता है। उसमें असीमित क्षमताएं हैं, किंतु उन क्षमताओं को कोई अगर प्रेरित करे तभी वो क्षमताएं उजागर होती है। और इस प्रेरणा को पाने के लिए कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं कि जिनके जीवन दर्शन से ये प्रेरणा हमको मिलती है। मोदी जी का जीवन भी ऐसा ही रहा है। गरीबी से निकले हुए, चाय बांटते हुए, एक संन्यास्त के रूप में हिमालय में जाकर तपश्चर्या करने वाले, और उसके बाद धीरे धीरे संगठन का महत्व जानकर लोगों को संगठित करते हुए राजनीति में अपना वजूद बनाने वाले, हम हमेशा शब्द का उपयोग करते हैं राजयोगी। एक राजा होता है, एक योगी होता है, लेकिन जो राजा होते हुए भी योगी होता है वो राजयोगी होता है। और मैं ऐसा मानता हूं कि मोदी जी का व्यक्तिमत्व ये राजयोगी की तरह है, और इस राजयोगी को दुनिया के सामने लाने का काम इस फिल्म के माध्यम से होने वाला है। विवेक जी, वी आर वेरी एक्साइटेड। हम लोगों को तो ऐसा लगता है कि आज ये पोस्टर लॉन्च हुआ, कल फिल्म लॉन्च हो जानी चाहिए, पर मैं जानता हूं कि कितने एफर्ट्स, कितनी तकलीफें आपको इसके लिए लेनी पड़ेगी। ये बहुत ही गंभीर किस्म का कार्य है कि जिसको आपको बहुत कम समय में पूरा करना है। और मेरा विश्वास है जिस लगन के साथ आप लोग इसमें लगे हैं, और मैं हमेशा ये मानता हूँ, मैं तो ईश्वर में बिलीव करने वाला आदमी हूँ, तो जब आप इस प्रकार का कार्य हाथ में लेते हैं तो ईश्वर ही आपको शक्ति भी देता है, प्रेरणा भी देता है और आशीर्वाद भी देता है। और इसलिए ईश्वर का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और देश और दुनिया को एक प्रकार से चकित कर जाए, विस्मय से लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाए, और लोग ये कहे कि अगर कोई फिल्म प्रेरणा दे सकती है तो वो ये फिल्म दे सकती है। इस प्रकार का काम आपके हाथ से होगा, ये मैं विश्वास व्यक्त करता हूँ और ये भविष्यवाणी भी आज ही करता हूँ। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए मुझे इस, बिकॉज यू आर क्रिएटिंग हिस्ट्री एंड टू बी पार्ट ऑफ अ हिस्ट्री वन हैज टू बी, मैं ऐसा मानता हूँ कि एक आप भी भाग्यशाली होने चाहिए, और मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। आई फील दैट आई एम फॉर्चुनेट दैट यू हैव चोजन मी फॉर दिस प्रोग्राम, क्योंकि जब ये फिल्म बनेगी और लोगों तक पहुँचेगी, और जैसा आपने कहा, बुक तो आपको तैयार करनी पड़ेगी ऑन मेकिंग ऑफ दिस फिल्म, तो उस इतिहास के एक पन्ने पर यह भी लिखा होगा कि इसके पोस्टर लॉन्च को मैं आया था। और इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आखिर में मैं सुरेश जी आपके पास आता हूँ एक चंद लम्हे के लिए, क्योंकि मैंने, मुझे याद है आपकी एक फिल्म आई थी त्रिवेणी। आज कितने सालों बाद एक नई त्रिवेणी पैदा हो रही है। आपने अपने बेटे का नाम रखा विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद से लेकर। बहुत कम लोगों को पता है कि विवेकानंद का असली नाम नरेंद्र है, और नरेंद्र मोदी जी स्वामी विवेकानंद से हमेशा प्रेरित हुए। तो ये जो एक त्रिवेणी संगम जो आप लोगों ने पैदा किया है, ये बहुत अनूठा है, बहुत अनोखा है। क्या कहेंगे इस बारे में आप? मैं सिर्फ एक आपको बात बताऊंगा कि जब मैं अपनी पत्नी विवेक की
मदर को मद्रास में मिलने गया था शादी के लिए जी। तो मैंने देखा, मैंने कहा हाँ मैं इन्हीं से शादी करूंगा। अच्छा। और तब बोला था कि जब इनसे शादी होगी पहले बेटा होगा। हाँ। उसका नाम होगा विवेकानंद ओबेरॉय। क्या बात है। उसी दिन बता दिया था और हो गया, भगवान ने दे दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू ऑल फॉर वेलकमिंग द पोस्टर ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी, एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट योर ग्रेशियस प्रेजेंस इन द टी रूम वेयर वी गोना बी हैविंग हाई टी। Thank you very much, all of you all, sir. Thank you, sir, to Sri Devendra Fadnavis ji to honor us. Thank you again.